कथा कहती जब भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब बहु जन्म का भाग्य का उदय होता है तब जाकर के बंधुओं कथा सुनने का अवसर मिलता है। और जरूरी नहीं कथा पांडाल में बैठ करके हम कथा सुन ही रहे हैं, कथा पांडाल में बैठ करके बहुत लोग यत्र तत्र का काम भी करते हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करता हूं। कथा वही है जो राजा परीक्षित ने सुना, किंतु परीक्षित 7 दिन की कथा सुनकर के मुक्त हो गए और उसी कथा को हम सुनकर के मुक्त नहीं हो पा रहे। अंतर केवल इतना है कि परीक्षित के हृदय पर एक ही कामना थी कि 7 दिन के बाद अब मेरे पास फिर कथा सुनने का अवसर नहीं होगा। और हम लोगों के पास तो है एक बार ना सुनते पहले आरो सुना होगे। उत्कंठा और व्याकुलता, कल ही मैंने कथा पर कहा जब भक्त के हृदय पर ऐसी भावना आ जाए कि बस यही जीवन अंतिम है, इसी जीवन में जितनी तीर्थ की यात्रा हो, जितनी कथा हो, जितना दान हो, जितना पुण्य हो, बस यही मुझे प्राप्त है, इसके अलावा मिलेगा नहीं मिलेगा और पाना ही नहीं है, जब ऐसी कामना भक्त के हृदय पर हो जाती है तो वही भागवत की कथा हमको भी परीक्षित बनाती और हम मुक्त हो जाते हैं। हम कथा परीक्षित भाव से नहीं सुनते। हमारी भावना तो है कि हम तो भैया फलाने हैं, हम तो फलाने बन करके सुन रहे हैं। उत्कंठा नहीं है कथा श्रवण की। इसलिए ध्यान पूरा केंद्रित हो कथा पर। अंतिम समय में हिरण का ध्यान हुआ तो स्वयं श्री जड़ भरत जी महाराज, श्री भरत जी, अंतिम समय में हिरण का ध्यान हो गया, स्वयं भगवान नारायण के पुत्र भगवान जो ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए, स्वयं भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत भी अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान नहीं होने से हिरण योनि पर चले गए। महत्व अंतिम समय भगवान की स्मृति का है। इसलिए बंधुओं, हमारा सारा कर्म अंतिम समय पर निर्धारित रहता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी स्मृति अंतिम समय पर आएगी याद। और कल अजामिल की कथा आप लोगों ने सुनी। अजामिल ब्राह्मण कुल पर जन्म हुआ। बाल्यापने निजेर बाबार संगे नारायणेर मंदिर जेत, लेकिन फिर अजामिल का व्यवहार खराब हो गया, वैश्या का संग हो गया, कुसंगतेर कारण भगवानेर भक्ति करते पारलेन ना। कुसंगत आ गया, भगवान की भक्ति नहीं हुई। और भगवान की भक्ति नहीं हुई अंतिम समय में जब भगवान के यमदूत आए प्राणों का हरण करने, तो पुकारा तो अपने बेटे को, नाम था बेटे का नारायण, लेकिन फिर ध्यान आ गया कि नारायण भगवान है। और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित हुआ, परिणाम निकला कि भगवान के पार्षद यमदूतों से युद्ध करके अजामिल को पुनः जीवन दान करवाए। इसलिए सारा विषय कहां का है, अंतिम समय का है, सारा विषय अंतिम काल का है। हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्मे थी के बूढ़ा काल पर्यंत,
जितना भी कर्म कर रहे हैं उसकी स्मृतियां अंतिम काल के समय बनती हैं। आप एक बार बिल्कुल अपने मस्तिष्क पर बैठा लो, मृत्यु सहज है, सबको प्राप्त होनी है। स्वयं हिरण्याक्ष जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किए, स्वयं कामदेव जैसे देव जिन्होंने अमृत को पिया, और यहां तक कि स्वयं लीला करने आने वाले स्वयं भगवान भी लीला का विश्राम देते हैं। इसलिए संसार का जो अटल सत्य है वो ईश्वर, और हमारा अटल सत्य मृत्यु है। मृत्यु हमसे सदैव हमारे साथ मिलकर के चल रही है, और उस समय का इंतजार है जिस समय आपकी श्वासों की गिनती पूरी होगी और मृत्यु आपसे आलिंगन लगाएगा। आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के साथ चिता पर जलने वाली लकड़ियां भी खड़ी हो गई। इंतजार नहीं करना पड़ता है, और हमने देखा चिता पर हरी लकड़ियां भी जल करके आपके देह को भस्म बना देंगे। इसलिए बंधुओं, चिंतन हो भागवत किस कथा से कि हमारा आयु दिन प्रतिदिन उस ओर जा रहा है जहां मृत्यु एक मुख पर बैठी है। एक वो काल है जो हमें अपनी तरफ खींचते चला जा रहा है, हमें अपनी ओर खींचे जा रहा है। दिन बीता सांझ हुई, सांझ बीती रात हुई, रात बीता प्रातः हुई, प्रातः बीता फिर दिन हुई, दिन के बाद फिर सांझ, और धीरे 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 वो दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद वो फिर पक्ष, पक्ष के बाद मास, मास के बाद वर्ष बीत गए। कहने के लिए हम बच्चे से जवान, जवान से हम फिर वयस्क, और फिर बूढ़े हो गए। पता नहीं चला, मुंह पर दांत नहीं था, उग आए। दो के बाद चार हुए, चार के बाद 32 हो गए, और 32 के बाद हमारा विवाह हो गया। विवाह के बाद बंधुओं फिर हमारे बच्चे हो गए। बच्चे के बाद फिर हम धीरे 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 हमारे बाल सफेद हो गए, और बाल के सफेद होने के बाद फिर पता चला कि एक दिन माथे के सारे बाल सफेद हो गए, जो दांत निकले थे वो गिर गए, और फिर पता चला कि जो चमक थी चेहरे पर वो झुर्रियों पर परिवर्तित हो गई, और फिर पता चला कि हमको ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारियों ने घेरा, और फिर पता चला कि हम धीरे धीरे अब तो सीनियर सिटीजन में आ गए। और एक काल ऐसा आया जब एक झटका लगा और हमारी मृत्यु हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? अमर कथा बुझते पाछो ना, जिसकी तैयारी हमने नहीं की वो हमको अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है। हम सुबह से किसकी तैयारी कर रहे हैं? खाना बनाने की। हम सुबह से किसकी तैयारी कर रहे हैं? कहीं जाने की। हम सुबह से किसकी तैयारी कर रहे हैं? किसी काम की। लेकिन इन तैयारियों के बीच में उसका भी ध्यान रहे कि वो भी कोई तैयार है जो हमको लेकर जाएगा।